हे गाइस नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सभी आप लोग? मैं गणेश गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, और आज भी अकेले ही हैं। प्रिंस भाई तो है नहीं साथ में, जो है थोड़ा लगे पड़े हैं कहीं और। जो है माइट भी आपको याद होगा, पहले हम वीडियो शूट कर रहे थे इस फार्म पे, जो है जब उस समय तो क्या हुआ, हार्वेस्टिंग चल रही थी, तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे वीडियो डाले थे। उसके बाद फिर इधर समय नहीं मिला, फिर अपने काम में लगे रह गए, जो है कोविड वगैरह को लेकर फिर वीडियो नहीं बनी। तो ये फार्म जो है ये सेकंड कल्चर चल रहा है वाया फ्लॉक का, जैसे बोलते हैं सक्सेसफुल जो फार्मिंग होता है। फर्स्ट ईयर तो निकल गया है और ये सेकंड ईयर का कल्चर चल रहा है। भैया को पहचानने होंगे इनको, जो है शैलेंद्र भैया है, जो है इनका पहला कल्चर था जो है, तो पंगासियस का जो करीब 35 से 38 क्विंटल के आसपास का प्रोडक्शन पहला निकला था ये सारे टैंकों से जो है एक्सेप्ट किए। सेकंड ईयर है ये कल्चर में, पंगासियस फार्मिंग स्टिल अभी भी चल रही है। 10 मार्च को यहाँ पे सीड स्टॉक किया गया था, 10 मार्च को, और पर टैंक में 8-8 पीस स्टॉकिंग किया गया है। पंगासियस का जो स्टॉकिंग किया गया था वो लाइन था, 300 लाइन का सीड था इसमें, जो है 250 से 300 लाइन, अप्रॉक्स मान के 3 से 4 ग्राम का बच्चा इसमें स्टॉक किया गया था। आज का जो डेट है, आज आपका सितंबर में, आज 3 सितंबर का डेट है। भैया से मैंने पूछा कि आपका कैसा रहा ग्रोथ वगैरह, कैसा सेटिस्फैक्ट्री रहा नहीं रहा जो है, तो भैया ने बोला अभी इसमें जो पंगासियस का जो चल रहा है इसका साइज वगैरह है 500 ग्राम से ऊपर गया है, 500, 600, 700 ग्राम का है इसमें, जो है 800 ग्राम तक भी इसमें पड़े हुए हैं जो है, ठीक है। तो अभी इसका ऑलमोस्ट जो है कुछ समय बाद ये हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया, अभी आपको हो सकता है वीडियो में दिखा है। एक्चुअली नेटिंग लगा हुआ ऊपर से, तो पूरा शायद आपको ट्रांसपेरेंसी इसमें दिखाना पूरा आपको, जो सीड आ रहे हैं पंगासियस के। अभी 10 मिनट पहले दोबारा फीडिंग कराई गई थी इसमें, तो मैं जस्ट अभी आया हूँ, तो फिर दोबारा भैया छोड़ कर रहे हैं, अभी फीडिंग कराया थे, आएंगे तो अभी सर फ्रीक्वेंट आने ही रही है सब, अभी आ जाएंगे, देखते हैं। लग रहा पूरा एकदम दबा के फीडिंग, हाँ दबा के खाए हैं लोग, इसी वजह से अभी नहीं आया। देखिए ये सब इसमें 500 ग्राम से ऊपर की पंगासियस है इसमें, जो है अगर माना जाए तो इसमें जो अभी आगे चलिए उसमें, अभी इसमें अगर हम बात करते हैं अगर डेंसिटी का, तो मान के चलिए 4 क्विंटल के आसपास में जो है एवरेज, इसमें मान के चलिए हर टाइम में इसमें बायोमास चल रहा है इसमें। अभी सर फीडिंग बहुत ज्यादा कराया हुई है जो है, ठीक है, फीडिंग के तो इसमें भी फीडिंग उठा नहीं रहे, तो अभी जो है 10-15 मिनट पहले फीडिंग हुआ है, उसके पहले अब जब आए हैं उसके पहले डाल के हम जाते हैं। अच्छा उसी समय पे, ओके, तो अभी हम तुरंत पहुंचे हैं, तो फिर क्या है भैया अभी कराएं इसमें, चलिए इसमें फीडिंग का बड़ा है क्या। इसमें देखिए ऊपर ही फीड पूरा पड़ा हुआ है, इतना तेज खाते हैं लोग ना इसमें। कितना टैंक में अभी जाना जा रहा है, एक टैंक में कितना फीट देते हैं अभी? थोड़ा सा और लगे अब देखते हैं आते हैं। अभी इतना फीडिंग करा दिए हैं कि मतलब ये अभी ऊपर आ ही नहीं रहे हैं, बहुत अच्छे से फीडिंग करा दिए हैं सब, बोला ना आज ने सो सब बोलती भी हैं, सब में 600-650 ग्राम की सबकी वही साइज है। फीडिंग जब टाइम से जब खाते हैं तो फीडिंग तेज उठाते होंगे सर इसमें। कितने टाइम फीडिंग करा रहे हैं भैया इसमें? तीन टाइम करा रहे हैं। एक टाइम में 12 किलो दाना जाता है लगभग। ये हमें लग रहा है कि अगले महीने ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगी, नेक्स्ट मंथ में हार्वेस्ट के लिए।
अभी उतना आपको दिख नहीं रहा होगा जिससे पूरा अभी वीडियो में अभी क्या है, अभी फीडिंग कराया गया था, अभी 10-15 मिनट पहले पूरा इनको ओवरडोज जी फीडिंग होती है करा दिया गया था, तो अभी इसलिए उतना एक्टिव आ नहीं रही है सब ऊपर फीडिंग के लिए। बट ये है कि अभी इसमें सब में जो है बायोमास इसमें अभी जो है सब में 4 क्विंटल के अबव चल रहा है, इसमें 4 क्विंटल से ऊपर सब में बायोमास है अभी। तो नेक्स्ट मंथ में क्या किया जाएगा, अभी जब इसमें हार्वेस्ट होगा तो कुछ पार्ट वाइज करके हार्वेस्ट किया जाएगा, जैसे आधा आधा इसमें सेल कर दिया जाएगा, फिर बाकी जो बचे रहेंगे उसको थोड़ा सा और बड़ा किया जाएगा साइज और इसमें जो है, ठीक है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी, मैंने बोला भैया से अभी क्या रेट इस समय थोड़ा सा बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, कितना इस समय जा रहा है इसमें पंगा फीस का, 90 रुपीज के आसपास, 90 से 100 रुपए इस समय जा रहा है, तो रेट ऑलमोस्ट 100 रुपए अप्रोक्स मान के चलिए इस समय आ रहा है, फिर भी बहुत कम है इस सबसे हम देख रहे हैं जो है। एक तो सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि फीड की जो कॉस्ट है वो कंटिन्यूअस में देख रहा हूँ बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो जो हम लोग पहले जो नॉर्मल जो फीड लेते थे हम लोग जो है 35 kg का आता था, 1600 रुपये के अप्रोक्स में आता था जो है, इसमें 1700-1750 ऊपर हो गया इसमें फीड कॉस्ट जो होती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ हर महीने कहीं ना कहीं एक बार जो फीड का रेट जो है बढ़ ही जा रहा है इसमें जो है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा बन रही है, रेट उतना फ्रिक्वेंट अच्छा बढ़ नहीं रहा, रेट आपको उतना मिल नहीं रहा, रेट वही रह गया, फीड की कॉस्ट बढ़ती चली गई, बाकी और भी मेंटेनेंस कॉस्ट लग रही है। तो ये थोड़ी सी चैलेंजिंग अभी फेज आ रहा है जो फीड की कॉस्ट वगैरह जो इंक्रीज हो रही है, और पुलिस का देखते हैं कि कोई सोल्यूशन अगर आगे मिलता है तो हम उसको ट्राई करेंगे, क्योंकि कुछ बनाया जाए ऐसा कि जिससे कि फीड की कॉस्ट है कि बताया था मैंने जो कि फीड की कॉस्ट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है जो बढ़ा है, माइट बी तो हर एक चीज़ में अभी थोड़ा सा महंगा हुआ कोई भी चीज़ ले रहे हैं, तो थोड़ा इस पर इफेक्ट आया है थोड़ा सा फीड की कॉस्ट बढ़ने की वजह से, ठीक है। तो अभी ये 8 टैंक का जो है अभी देख रहे हैं हार्वेस्टिंग जो है अभी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा, जैसे मैंने पार्शियल हार्वेस्ट करेंगे, उधर वाला जो टैंक दिख रहा है कॉमन कार्प उसमें पड़ी हुई है, उसमें ज्यादा नहीं 20-25 पीस होंगे उसमें जो है, जिसकी साइज ऑलमोस्ट 1 kg के आसपास, पंगेसियस भी है उसमें, 100 पंगेसियस है और 20-25 उसमें कॉमन कार्प है। तो कॉमन कार्प क्या हुआ, पंगेसियस के साथ में उसमें स्टॉकिंग की गई थी, ठीक है। तो वो साइज हम जैसे बताए हैं कि अगर कॉमन कार्प अगर पंगेसियस के साथ अगर फार्मिंग करते हैं तो कुछ 10-20 पीस आप चाहें तो उसमें अंदर डाल सकते हैं, इससे बॉटम क्लीन भी रहेगा आपका, प्लस उसका साइज जो है वो बहुत अच्छा निकल जाता है उसमें, ठीक है। क्योंकि जो भी वेस्ट वगैरह होता है कोशिश करती है कि कॉमन कार्प जो नीचे से अभी क्लीन कर देती है, जिससे आपकी अमोनिया की भी प्रॉब्लम नहीं होती है और उनका साइज जो है बहुत अच्छा ग्रोथ करता है इसमें। तो ये चीज रखिएगा आप जो है, अगर आप पंगेसियस कर रहे हैं तो कुछ इसमें जो है 10 अगर पर 10,000 लीटर की बात करूं 10 से 15 पीस इसमें आप कॉमन कार्प इसमें स्टॉक कर सकते हैं, ठीक है। ये था दोस्तों वीडियो में, बाकी नॉर्मल वही चीजें हैं, अभी 1 हॉर्स पावर 1 HP का पंप है, कंटिन्यूअस 8 टैंक इसमें चल रहे हैं, ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डीओ लेवल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीओ लेवल मेंटेन है, और साइज सेटिस्फैक्ट्री हो गया, देखिए इसमें फीड ऑलरेडी इतना पड़ा हुआ कि पहले से ही फूल गया जो है, तो ओवर फीडिंग ऑलरेडी हो चुका है इनमें, तो अभी इतना फ्रिक्वेंटली फीड नहीं उठा रही है जो है, माइट भी अगली बार जब वीडियो शूट करेंगे तो कोशिश करेंगे 10-15 दिन बाद एक बार और आएंगे जो है, तो ऐसे टाइम पर शूट करेंगे जिसमें फीडिंग नहीं हो, पहले से बताया रहेगा ताकि फीडिंग ना किया जाए, उसे ओवरऑल भी उसे ग्रोथ और सही है, सेटिस्फैक्टरी है बिल्कुल जो है, एज कम्पेयर टू अगर पॉन्ड की बात करें कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा ग्रोथ कम आता है, ऐसा कुछ लगा क्या आपको? देखिए जो पॉन्ड पालते हैं वो तो वही बता सकते हैं, नहीं अभी मैं ब्रिजेश भैया के पास गया था तो इसी टाइम के बच्चे ये भी हैं, लेकिन सेम हमको लगता है कि यही साइज के हैं एकदम, उन्हीं के पास से तो हम ले आए हैं, के पास से ही ले आए, इससे भी छोटे हैं उसमें, क्योंकि मैं वो छांट करके बड़ा डाले हैं, बड़ा अपने में डाले हैं, फिर भी वो साइज नहीं है छोटा वाला, यानी पॉन्ड में भी जो डाले थे जहाँ से एक ही जगह से सीड आया था, जहाँ पे पॉन्ड में भी डाला गया प्लस इसमें भी डाला गया, छांट करके वो अच्छे बच्चे डाले थे अपने में बड़ा डाले, और कुछ चीजें हैं जो बहुत, लेकिन फिर भी जो है जो ग्रोथ वैसे पॉन्ड में बहुत ज्यादा होना चाहिए, जैसे कहते हैं कि बहुत अच्छा ग्रोथ किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, जो ग्रोथ इसमें है उसमें इतना ही है, बट थोड़ा सा हमें लग रहा है थोड़ा बहुत कम होगा, 10% का ज्यादा डिफरेंस है, जैसे ज्यादा नहीं है। तो ओवरऑल भैया जैसे कि आप लास्ट ईयर का कल्चर देखें, जो पहला लास्ट ईयर कल्चर था वो भी कैसा था, बढ़िया था, वो तो आप वीडियो बनाए थे पूरा लगभग 1 kg से ऊपर था हमारा, जो उन टैंकों में 1.5 kg की मछलियां थे उस समय। इस बार भी भैया जब हार्वेस्टिंग शुरू होगा तो हम कोशिश करेंगे एक बार हमको इन्फॉर्म कीजिएगा, हम आके थोड़ा सा वीडियो दोबारा लोगों को दिखाएंगे जो है, अब कोशिश करेंगे थोड़ा सा कि फ्रीक्वेंट वीडियो डालते रहे, क्योंकि रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहे हम लोग, तो आज इस फार्म पे कल अपने सीमेंट टैंक वाले फार्म पे जाएंगे, वहां से दिखाएंगे आपको कुछ जो भी एडमिट वेट वगैरह उसको करके जो पंगेसियस वगैरह कितना हुआ है जो है, ठीक है, तो वो डिटेल आपको हम देंगे, ठीक है। ठीक है भैया, और फिर अगली बार फिर देखते हैं जैसे टाइम बनता, फिर आप हमको बता दीजिएगा ऐसे टाइम पे जिसमें फीडिंग करना हुआ हो, कोशिश करेंगे कि जो आफ्टरनून में जो है 3 बार पड़ता है, 9 बजे फिर 3 बजे फिर रात को 8 बजे, ये इनका फीडिंग टाइम है अभी भैया, अभी कितना 32-33 kg अभी जो है 8 टैंक में 35-36 kg दाना दे लीजिए फीड जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो कहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों, और फिर माइट बी अब देखते हैं कल नहीं, अब ऑन मंडे जो है हमारे बड़े वाले फार्म की जो वीडियो आपके सामने अब जाने वाली है, देखिए बाकी ये लोग विजिटर्स वगैरह लोग आए हुए हैं आपके फार्म के जो है।
ऑलरेडी यहाँ पे, तो ऐसे काफी लोग आते हैं जो कंटिन्यूअस विजिट करने के लिए आते रहते हैं। ठीक है, एक चीज और बताना चाहते हैं दोस्तों, अभी 5 को मुझे पुणे आना था, अभी पोस्टपोन कर रहा हूँ, 5 को अभी आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा पर्सनल काम है, प्लस और घर पे भी बहुत सारे कुछ है जो पेंडिंग है जिसकी वजह से मैं आ नहीं पाऊंगा इस बार, तो मैंने इंटीमेट कर दिया था वहाँ पे जो है। तो माइट भी हमारा जो बैच रहेगा या हमारा जो अक्टूबर में हम करेंगे, 3 अक्टूबर को हम करेंगे, वैसे 19 सितंबर का प्लान था आने का, बट उस समय भी अवेलेबल नहीं रहेंगे लोग, तो 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को हम लोग पुणे के बैच में हम वहाँ पे रहेंगे लोग। ठीक है, अब बाकी गोरखपुर का जो डेट है ऑन संडे, संडे है रहता है, मैं इसी पे अपना मेंशन कर दूंगा, जो भाई आना चाहते हैं ऑन संडे बिफोर, उसके पहले आप कॉल करके आ सकते हैं हमारे पास। ठीक है, बाकी प्रिंस भाई को मिस कर रहे हैं, देखते हैं कि अगली वीडियो में कब उनसे मुलाकात होती है, कल देखते हैं, अगर रहेंगे तो कल साथ में रहेंगे, अदरवाइज मुझे अकेले ही शूट करना पड़ेगा कल की वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लव और ब्लेसिंग एंड सपोर्ट के लिए, थैंक यू सो मच।